में लिखा है वो तुझे रूम में मिलेगा। इम्पॉसिबल, सातवीं मंजिल पर रूम है, कैसे आ सकता है यहाँ? नीचे चौकीदार घुसने नहीं देगा, और अगर आंटी ने देख लिया तो उसकी टांगे तोड़ देगी। आंटी को तेरे इश्क बेचे का सब कुछ पता चल गया है, वो विजय से नफरत करती है, वो तुम दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे आंटी को नहीं पसंद तो रहने देना, प्यार हम दोनों करते हैं और आज हम दोनों जरूर मिलेंगे इसी कमरे में, और रात को 10 बजे देख लेना। 10 बजे? और अब तो 10:15 भी हो चुके हैं। क्या 10:15 हो गए? आने दो, ठीक करती हूँ उसको। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, उसे कोई फिक्र नहीं है मेरी, कोई चिंता नहीं है मेरी। दीपा, मैं आ गया। देखा विजय, कितने दिन के बाद मिले हैं? कैसे हो तुम? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ विजय। दीपा, दीपा मैं जाऊँ? तू यहाँ क्या कर रही हो? चल, हम रोमांटिक मूड में हैं, हमारा मूड खराब कर, चल यहाँ से। दीपा, एक खुशखबरी है, मुझे अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का दाखला मिल गया है। वंडरफुल। लेकिन डार्लिंग, एक ट्रेजेडी है। क्या? वहां जाने का खर्चा 15,000 रुपए है, और मैंने अपनी माँ से सुना है कि हमारी 15 पुश्तों से लेकर आज तक किसी ने 15,000 रुपए नहीं देखे। फिर तो वाकई बड़ी ट्रेजेडी है। दीपा, तो अपनी माँ से कहना कि मेरे को 15,000 रुपए दे दे, मैं उसका जवाई तो बनने वाला हूँ, वादा रहा वापस कर लूंगा। ना बाबा ना, मैं माँ से कहूंगी ना तो माँ मुझसे पूछेंगी कि मैं आपकी सिफारिश क्यों कर रही हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी बोलो। अरे तुम मुनि मंगल से क्यों नहीं कहते कि वो माँ से बात करें और रुपए मांग लें? पिताजी से? हाँ पिताजी से कहकर देखूंगा। खैर छोड़ो इन दुख सुख की बातों को, इतनी देर के बाद मिले हैं, चलो प्यार की बातें करें। मुझे दे दो, मुझे दे दो रसीले होंठ, ये आंखें नशीली और ये पेशानी, मुझे दे दो, मुझे दे दो तमन्नाओं की बेताबी, जवानी की परेशानी, मुझे दे दो, मुझे दे दो। मेरे साथी, मेरे
रसीले होंठ, ये आंखें नशीली और ये पेशानी मुझे दे दो। ओ, दीपा, मुझे दीपा, खोल दरवाजा, खोल, खोल, मैं कहती हूँ, दीपा, मैं कह रही हूँ दरवाजा तोड़ दूँगी, खोलती है कि नहीं, खोल दरवाजा, दीपा, खोल। लगता है आंटी को तुम्हारे आने का पता चल गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ। आंटी तो आधी और तूफान की तरह बढ़ती चली आ रही है। हाँ। लगता है दरवाजा तोड़ देगी। हाँ। मुझे कहीं छुपा लो। अब अरे कमक दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगी। आंटी कौन कर रहा था यहाँ? कर रहा था वो तो रेडियो बज रहा था। रेडियो की बच्ची, मैं अभी ढूंढती हूँ शैतान को। आंटी मुझे तेरा उस कुत्ते से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। किस कुत्ते से आंटी? उस विजय कुत्ते से। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, उस कमीने की खाल खींच लूंगी, उस पुल्लू को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। ठीक और ठीक, रात के 12 बजे तक जागती रहती है, चल सो दे जाके, चल। शर्म नहीं आती तुझे? सारे खानदान का नाम रोशन कर दिया तूने, मेरे सर पे खाक डाल दी तूने, सूली पे चढ़ा देगी तेरी माँ। तू जानती नहीं कितनी सख्त है मेरी बहन। लल्लू बिहारी लक्ष्मण, अरे कहाँ मर गए सब? जी मालकिन कहिए। कितनी बार कहा तुम्हें, दीपा बिटिया छुट्टियां काटने घर आ रही है, उसका कमरा साफ कर दो, पर तुम लोगों की सुनते ही नहीं हो। मालकिन मालकिन क्षमा कीजिए, अभी कर देते हैं, चल 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 चल। मालकिन बात यह है कि एतवार के दिन हमारे भतीजे की शादी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा हो आऊं। अच्छा हो आना, और 1000 रुपया मुनीम जी से ले लेना। धन्यवाद। लो मुनीम जी आ भी गए। दफ्तर आकर रुपए ले जाओ। बहुत अच्छा, धन्यवाद मालकिन। मुनीम जी उनका कुछ पता चला? मालकिन मैं सीधा पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चला। मेरा मेरा मन कहता है मुनीम जी कि वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं, पर ना इतने दिनों तक मेरा मुझसे पता है कभी घर से बाहर नहीं रहते। दीपा बिटिया आ रही है, मैं उससे क्या कहूंगी? उसके पिता जिंदा भी है? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा न कहिए। मालिक जहां भी होंगे ठीक ही होंगे, लेकिन दीपा बिटिया को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। हम उसे कह देंगे उसके पिताजी विदेश गए हैं। आप मेरी किसी भी गलती से नाराज होकर चले गए हो तो मैं आपके कदमों में सर रखकर आपसे माफी मांगूंगी। मुझे मालूम को तो ये भी पता नहीं कि आप किधर हैं, किस हाल में हैं। बोल बुड्ढे, बता दे वो सोने की अशर्फियां कहां पड़ी है। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? जंगा क्या भी नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा, चाहे तू मेरी जान ही क्यों न ले ले। हाँ बुड्ढे, तू मुझे तब तक नहीं बताएगा जब तक मैं तेरी बेटी को उठाकर यहाँ न ले आऊं। तू मेरी बेटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी भगवान उसकी रक्षा करेगा। आखिर वो होती कौन है मेरे पर्सनल मामलात में दखल देने वाली? प्यार मैंने किया, ब्याह मुझे करना है, हाँ, और वो हर बात में खमखा अपनी टांग अड़ाई जाती है। विजय आई एम वेरी सॉरी, आंटी ने कल तुम्हें बहुत गालियां दी ना, आई एम वेरी सॉरी। सो व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने समझा मेरी माँ ने गालियां दी थी। तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा?
तुम सच कह रहे हो? हाँ। एकदम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा भी उदास मत हो। Have a cup of tea and come in mood. मैं तो तुम्हारे लिए उदास थी, बाकी I am in a fantastic mood. दीपा डार्लिंग, आज मैं एक तमन्ना लेकर आया हूँ तुम्हारे पास, पूरी करोगी? जरूर पूरी करूंगी, बोलो क्या चाहते हो? तुम छुट्टियां काटने गांव जा रही हो, क्यों नहीं मेरे साथ मेरी मोटरसाइकिल में चलती? ना बाबा, अगर किसी ने देख लिया और माझी को बता दिया ना तो भूचाल आ जाएगा, समझे? नहीं समझे? समझा। माझी तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है। अरे माझी को पता नहीं चलने देंगे, गांव आने से पहले अलग हो जाएंगे। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है। दीपा प्लीज, तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल पे, खुली सड़क और ठंडी हवा, शहर से दूर, जस्ट इमेजिन। आई डोंट वांट टू इमेजिन। मैं तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। वेरी गुड, तुम बोलो। दीपा तुम कहो तो आसमान से सितारे लाकर तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। सितारे लाने की कोई जरूरत नहीं, वो जो गंजा है ना उसके सर पर एक करारी चपत लगा कराओ। बस, अरे ये तो मामूली बात है, अभी लो। यार मदन के बच्चे, तू यहाँ खड़ा, मैं तेरे को वहां देख रहा हूँ। सॉरी पहलवान, दरअसल बात यह है कि मेरा यार मदन बिल्कुल तुम्हारी तरह गंजा और मोटा है। अरे पहलवान यार, गुस्सा क्यों करते हो? देखो क्यों दीपा, ठीक रहा? हाँ ठीक रहा, ऐसा लगा जैसे कोई किसी को प्यार कर रहा हो, पटाखे वाली बात नहीं हुई तो कोई मजा नहीं आया। तुम्हारा मतलब है बात कुछ जमी नहीं? जरा भी नहीं जमी। अब देखो, अबे यार मदन के बच्चे, तू यहां बैठे, मैंने उधर किसी और को मारा। सॉरी पहलवान। ये क्या धिंगा मुश्किल लगा रखी है, हैं? तुम जानते नहीं हो इंस्पेक्टर सुंदर सिंह चटा के एरिए में कोई चूटी भी पर नहीं मार सकती, और तुम दोनों टकले मार रहे हो, मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह चड्डा जी, मैं तो इसको ऐसे ही जरा प्यार में थोड़ा इस बच्चा मार मार के मेरी खोपड़ी से जा दी। हाँ मैं तुम्हें पहचान गया, तुम ही जग्गू दादा हो। पुलिस स्टेशन में तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है, बहुत खराब है। यहाँ दादागिरी कर रहे हो, इंस्पेक्टर सुंदर सिंह चड्डा के एरिया में कोई चूटी भी पर नहीं मार सकती। हाँ तुम भी जाओ, लेकिन कोई बदमाशी मत करना। अब बोलो, अब तो मजा आया कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। उस गंजे ने मुझे आंख मारी थी। क्या उसने तुझे आंख मारी थी? अब देखो, ये कर लिया।
कहना क्या कहना तेरा क्या कहना कौन मन कर सकता है दीपा फिर बुझ लिया हर बार बुझ लेती हो हाँ मेरी प्यारी माँ मेरी अच्छी माँ माँ तुमसे दूर रहकर मैं एक दिन भी नहीं सोई सुन तो सही सुन पगली मैंने आज ही मुनीम जी को कार लेकर भेजा है तू कैसे आ गई बस में यस मदर अरे दीपा घर में दस दस कारें होते हुए तुझे बस में सफर करने की क्या जरूरत थी अरे माँ जो मजा बस की पीठ पर चढ़कर आने में है हाय वो कार में कहाँ बस की पीठ पर हाँ माँ मैं बस की छत पर सवार होकर आई हूँ ये आजकल का फैशन है तू बाज नहीं आएगी अपनी शरारतों से माँ ये सब जेवर किसके लिए है तू बड़ी हो गई है ना तेरा ब्याह भी तो करना है हैं तो क्या मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो अरे बिटिया
एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने घर से जाना ही पड़ता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, ये जेवर जरूर ले लूंगी। शकुंतला देवी। मेरा बेटा विजय अमेरिका पढ़ने जा रहा है, उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए अगर आप मुझे 20,000 रुपया खर्च देते हैं। ये भी कोई कहने की बात है मुनीन जी, जब जी चाहे ले लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मलकिन, याद आ गया, अखबार में खबर आई है कि गवर्नमेंट गोल्ड कंट्रोल एक्ट बना रही है, जिसकी रूह से सोना या सोने की बनी हुई चीज का हिसाब पब्लिक को गवर्नमेंट को देना होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ भी कुछ सोना होगा। हाँ, घर में सोने की मोहरें हैं, किसी दिन गिन लीजिए, फिर जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी आप खुद ही कर लीजिएगा। जी बहुत अच्छा। तो आपने देख लिया, अब इतवार के दिन माल चुराएंगे, लक्ष्मण चला जाएगा छुट्टी, ये साला लल्लू आड़े आएगा। लल्लू के साथ नहीं मिला सकते? वो साला बड़ा नमक हलाल है, अगर वो साथ मिल जाए तो ये काम यूं हो सकता है, वही एक ऐसा आदमी है जो मालकिन के कमरे से चाबियां चुरा सकता है। उसकी कोई कमजोरी है? कमजोरी है, इसक साला दिन रात छोकरियों के सपने देखता रहता है। छोकरी के सपने देखता रहता है? इस काम के लिए अपनी माया देवी काम में आ सकती है, लेकिन उस पर भी आजकल इश्क का भूत सवार है। हाय सालिम, माया से पूछ तो सही कि वो तेरी कितनी आशिक है। आई लव यू धर्मेश, I love you. मत पूछ के किसके आशिक हैं, मत पूछ के किसके आशिक हैं, चुप रहना हमारा काफी है, चुप रहना हमारा काफी है। एक पर्दा नशी का, पर्दा नशी, एक पर्दा नशी का राज है हम, बस इतना इशारा काफी है, बस इतना इशारा काफी है। मत पूछ के किसके आशिक हैं, किसके आशिक हैं।
इश्क में है सौगातें, तोड़े तख्ती फाड़े कागज फेंक दे कलम दबाते, एक तलब महबूब की रखे दिन हो चाहे रातें। इश्क न यार का मजहब पूछे ना ही पूछे जाते, इश्क अगर राज है तो उसे पर्दे में ही रहना चाहिए, किसी का राज है मुझसे भी तो नहीं कहना चाहिए। कभी इश्क छुपाए छुपता है चेहरे से आया हो जाता है, कभी इश्क छुपाए छुपता है चेहरे से आया हो जाता है। सूली भी इश्क मंसूर इश्क, सूली भी इश्क मंसूर इश्क, मूसा भी इश्क कोहतूर इश्क, मूसा भी इश्क कोहतूर इश्क, हर हुस्न की आंख कनूर इश्क, हर हुस्न की आंख कनूर इश्क, है मस्ती में मखमूर इश्क, है मस्ती में मखमूर इश्क, नजदीक नहीं है दूर इश्क, नजदीक नहीं है दूर इश्क, और इश्क में चकना चूर इश्क, और इश्क में चकना चूर इश्क। पूछो जो हकीकत इश्क की तो है मौला को मंजूर इश्क, है मौला को मंजूर इश्क, है मौला को मंजूर इश्क। कभी इश्क छुपाए छुपता है चेहरे से आया हो जाता है, होंठों पे हो मोहर खामोशी नजरों से बया हो जाता है, नजरों से बया हो जाता है, से बयां हो जाता है। इस राज को राज ही रहने दो, इस राज को राज ही रहने दो, पूछो ना दोबारा काफी है, पूछो ना दोबारा काफी है। शॉर्ट रेडियो तो बुला लेना, ये लो। क्या कमाली गाई है, मजा आ गया। और हीरोइन जी, हीरोइन चली गई, कोई बात नहीं, मत पूछ के किसके। अरे भाई दूसरा शॉर्ट कर करो, क्या तमाशा बना रखा है। ओफ,
इतनी गर्मी है। आप कौन हैं जी? जी मेरा नाम माया है। माया, माया जी आप, मैं, मेरा ख्याल है आप इधर बैठिए। थैंक यू वेरी मच। कहिए क्या काम है आपको? जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। फैन तो क्या, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। दिन रात आपके सपने देखती हूँ, आप मुझे बहुत पसंद है। जी वो बात क्या है, मुझे हिचकी आती है थोड़ी। देखिए आप बड़े शर्मीले हैं। मैं शर्मीला तो हूँ। लेकिन फिल्मों में तो आप कभी नहीं शर्माते और सब हीरोइनों के साथ रोमांटिक सीन करते वो हैं। तो करना पड़ता है जी। आपकी इसी अदा पर तो मैं मरती हूँ। आप ऊपर क्यों चल रही हैं? क्या क्या शॉट रेडी है? ठीक है मैं आता हूँ। वो देखिए शॉट रेडी है, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ, बैठिए। प्लीज जल्दी आइए। ने बड़े हीरो के पीछे भाग रही है। अरे ये तेरा कभी भी नहीं होगा। मैं इसे हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर इसे हासिल करना चाहती है तो मेरा साथ दे। मैं आज ही सोने की कान देख करके आया हूँ। तू एक ही झटके में करोड़पति हो जाएगी। करोड़पति? मुझे करना क्या होगा? बस एक लल्लू को उल्लू बनाना होगा। लल्लू डाले वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? अंदर आओ। वहां अंदर, वहां अंदर। ये पी लो। ये क्या है? सोमरस। सो 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 सो। अरे रे रे रे, आहिस्ता पीना चाहिए। हाँ हाँ, that's a good boy। आ जाओ। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। और पियो। आहिस्ता। बैठ जाओ। बैठ जाओ। दे दो दो। पियो। पियो ना। डार्लिंग, पियो ना। अभी पियो। कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ। दरवाजा तो बंद कर लो। दरवाजा? हाँ हाँ, बंद कर लो। लल्लू डाले। लल्लू तुम बहुत भोले हो। देखो अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना। कितना अच्छा सपना था। चल बेटा लल्लू, झाड़ू लगा और बर्तन मांज। लल्लू। परी जी, अरे परी जी, ये 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 सब सपना नहीं था, ये सच है। अरे लल्लू डार्लिंग, हाँ? तुम मुझसे शादी करोगे? जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। शादी है? इसके साथ क्या शादी करोगी? इसकी तो बर्तन घिसते घिसते अकल भी घिस गई है और तकदीर भी। रणबीर तुम इसकी तकदीर बना दो ना, फिर हम दोनों शादी करेंगे। हमारी शादी करवा दो, शादी करवा दो। हमारी तकदीर तो सीमा बना दूं, लेकिन ये मेरा कहा तो माने। हाँ, मैं आप जो मेरी शादी करवा दो, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। मैं आपके पांव हाथ लगा। मालकिन सो गई, मैं चाबी उठा लाया।
कौन हो तुम? कौन? ये क्या हो रहा है बिहारी? लल्लू ये क्या हो रहा है? मार डाले का छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मर जाएगा ये मर जाएगा ये मर जाएगा मर जाएगा मैंने क्या कहा एक साथ दो लाश कैसे उठाओगे ऐसे बोलो चुप लल्लू चुप डार्लिंग मर गया बिल्कुल मर गया है चाबी जहां से उठाई है वहीं रख दो किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि यहां चोरी हुई है जी जाओ सुनिए मैं बाहर जाकर देखता हूं मैदान साफ है कि नहीं ठीक है अच्छा ओह डार्लिंग यू आर ग्रेट डार्लिंग यू आर ग्रेट अब तो हम करोड़पति बन गए ना जी ये सब क्या है लल्लू मैं तो सिर्फ कान में बातें कर रही थी कान में बात कर रही तो ठीक है हुजूर मुनीम का छोकरा चोरी से हवेली में दाखिल हो रहा है घबराने की कोई बात नहीं हम गोदाम के रास्ते से निकल जाते हैं चलो चलो दीपा दीपा विजय मैं तुम्हारा ही सपना देख रही थी सच हाँ एकदम सच तुम तो मेरे सपने देखोगी ही तुम मेरी जूलियट हो मेरी हीर हो मेरी शीरी हो मेरी लैला हो और मेरी जुगनी हो ओ मेरी जुगनी दे तागे बगे जुगनी ओ दे मूदी फब्बे जीनू साट इश्क दी लगे ओ वीर मेरे आ जुगनी जब देखो उल्टी सीधी बातें करते रहते हो मेरी कुछ समझ में नहीं आता तुमको पंजाबी नहीं आती बिल्कुल नहीं आती अच्छा तो ट्रांसलेशन कर देते हैं हाँ। मेरी जुगनी का धागे वाइट जुगनी उसके मुंह से राइट जिसको पड़े इश्क की फाइट ओ वीर मेरे आ जुगनी अरे वीर मेरे आ जुगनी पसंद आया बहुत अच्छा लगा अच्छा एक और जरूर और सुनाते हैं ओ मेरा टुटिया मान तेरा रानी मेरे सोने यार ने औड़ा दोरिया देनी ओ मेरे अरे रे तुम्हारी डोरिया डोरिया में मां जाग जाएगी लल्लू बिहारी लल्लू बिहारी लल्लू लगता है मालिक इधर ही आ रहे आप स्लाश को लेके इधर से चले जाइए जल्दी चलो चलो अबे तू कहाँ चला ये बोरी उठा जल्दी से चल
वो पुलिस के ऊपर डालते हैं। रुकता हूँ। अबे जल्दी कर। अब ठीक है ना? लल्लू, बिहारी, कहाँ हो सब? अरे कहाँ हो? आया मालकिन? कहाँ मर गए सब? जी मालकिन। मालूम नहीं? घर में कोई कितना शोर मचा रहा है? और आँख नहीं खुलती तुम्हारी? मालकिन, आँख भी खुली थी और ये भी मालूम है कि कौन शोर मचा रहा था? कौन शोर मचा रहा था? अब बोलो। जी मालकिन, बिटिया के कमरे में मुनीम जी का बेटा विजय आया हुआ है। माता जी नहीं आई, आना होता तो अब तक आ जाती। शायद उन्हें तुम्हारे हमारे पवित्र प्रेम का कदापि ज्ञान नहीं। दीपा, काश दुनिया भर की प्रेमिकाओं की माताएं तुम्हारी माता जी जैसी बन जाए। तुम सच कहते हो विजय? प्यारी जी, तबेले में जितने नौकर हो और फार्म में जितने नौकर हो उन सबको यहाँ बुला लाओ। आज इस कमबख्त को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीपा, दीपा आ गई। तो तुम जाओ ना। दरवाजा खोल दीपा, दीपा जाओ। मैं सब अंदर कौन है? तोड़ दूंगी दरवाजा। आती हूँ माँ जी। दरवाजा खोल दीपा, दीपा। दीपा उस तरफ तो बाकी वाले घर हैं। मैं खड़ी हूँ। तुम कुछ करते क्यों नहीं विजय? अगर मैं कुछ करूंगा दीपा तो पिताजी नाराज होंगे। छोड़ो जी, जिंदा रहोगे तो पिताजी नाराज होंगे ना। अच्छा अगर तुम कहती हो तो। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। दीपा, मैंडिकली चैंडिकली दीपा।
दीपा, दीपा, विजय, विजय, तुम ठीक तो हो? विजय, विजय, उन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा ना? बहुत मारा सालों ने। लेकिन तू फिक्र न कर, अगर मिर्जा इश्क में नहीं, कान तो रांझे ने फड़वाए थे, अगर राजा इश्क में कान फड़वा सकता है, मिर्जा मैदान जंग में शहीद हो सकता है और मजनू जल जल के रेगिस्तान में जान दे सकता है, तो मैं क्या तेरे लिए चार जूते नहीं खा सकता दीपा रानी? क्यों नहीं, जरूर खा सकते हो। बहुत मारा ना तुम्हें उन लोगों ने, मैं एक एक की खबर लूंगी हूँ। आखिर कौन सा कसूर हुआ है मेरे बेटे से जो आप उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है? उसे प्यार ही किया है ना, और दीपा बेटी भी तो उससे प्यार करती है। नहीं जी, आप जूतों समेत मेरी आंखों में घुस रहे हैं। प्रेम? ये प्रेम नहीं, ये एक साजिश है। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को फुसलाकर मेरी करोड़ों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, और अब तो मुझे ये भी यकीन हो गया है कि इस साजिश में आप भी शामिल हैं। निकल जाइए, निकल जाइए यहां से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नौकरों को हुक्म दे दूं और वो आपको यहां से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मालकन, मैं खुद ही चला जाता हूं। दीपा, विजय, दीपा, विजय, दीपा, पिताजी ने रुपयों का इंतजाम कर दिया है, मैं कल शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ। विजय, दो तीन दिन रुक जाओ ना, मेरे दिल नहीं मानता। दीपा, अगर रुक गया तो लेट हो जाऊंगा, एडमिशन नहीं मिलेगी। ये बात भी सही है, जाओ। हाथ नहीं दोगी? जिंदा जमीन में गड़ा दूंगी कमीने, मुझे कमबख्त। अरे कुत्ते भाग गया, सरकार बाल बाल बच गए और सारा लफड़ा मुनीम और उसके बेटे के सर जा पड़ा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उस घर में चोर भी घुसे थे। लेकिन हमारी स्कीम तो सिरे नहीं लगी, सोने की मोहरे वही रह गई। सरकार बिहारी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, अशर्फियां तो मैंने पहले ही गोदाम में घाटे की बोरी के नीचे छुपा दी थी, अब मौका पाते ही पार कर देंगे। अपने पेशे में तेरे जैसे मक्कार लोग ही कामयाब होते हैं। ये ले, ये भी। थैंक यू। अरे ये क्या? ये सरकार, मालकिन अपनी बेटी और मुनीम के बेटे के इशक पर बहुत बिफरी हुई है। ये चिट्ठी उन्होंने दीपा की शादी के बारे में लिखी है। अच्छा, तो देखे जरा। प्यारी शीला, नमस्ते। 17 साल पहले तुमने मुझसे दीपा का हाथ अपने कैलाश के लिए मांगा था, मैंने हाँ कह दी थी। अब दोनों समझदार हो गए हैं, क्यों ना उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाए। 17 साल से न तुम्हें देखा है न कैलाश को, मेरा खत पाते ही तुम दोनों यहाँ आ जाओ ताकि मैं अपने होने वाले दामाद को देख सकूं। तुम्हारी शकुंतला। बालकिन ने पिछले 17 साल से अपने होने वाले दामाद कैलाश को नहीं देखा। मालकिन, बाहर कोई कैलाश बाबू आए हैं। कैलाश आ गया? आ गए बेटे। अरे जीते रहो बेटे, आओ। कितने बड़े हो गए हो तुम। इतना सा देखा था मैंने तुम्हें पिछली बार, कितनी शरारतें करते थे तुम। शीला को एक पल भी चैन से बैठने नहीं दिया था तुमने। अरे वहां कहां बैठते हो बेटे, यहां बैठो ना मेरे पास। थैंक यू। शीला नहीं आई तुम्हारे साथ? आपका खत पाते ही मम्मी तो उड़कर यहां आना चाहती थी, लेकिन लेकिन पिछले महीने ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? वैसे अटैक तो माइल्ड आंटी, लेकिन प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते हैं। उन्होंने मुझे पहले ही फ्लाइट से यहां भेज दिया। अब आए हो तो कुछ दिन अपनी आंटी के साथ रहोगे ना? नहीं आंटी, आने से पहले मम्मी ने नसीहत दी थी कि शादी के पहले लड़की वालों घर नहीं ठहरना। उन्होंने ये भी ताकीद की थी कि शगन मिलते ही उन्हें खुशखबरी खबर दे देना, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ बेटा,
मैं भी दीपा की मंगनी के लिए बेताब हूँ। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हें शगन की 5,000 अशर्फियां ला कर देती हूँ। अभी आई। हे राम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या, क्या हुआ? नमस्ते वालके, आपने मुझे बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बताता हूं मुनीम, तिजोरी से जो सोने की मोहरे चोरी की है वो कहां है? मोहरे चोरी हो गई? मैंने तो उन्हें मालकिन के सामने गिनकर तिजोरी में रख दी और चाबी मैंने मालकिन को दे दी। तो फिर तिजोरी खाली क्यों है? उसे तुम्हारे सिवा और कौन चुरा सकता है? चोर! ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस घर का पुराना मुलाजिम, मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता। मालकन, मालकन आपने सुना है क्या कह रहे हैं? मालकन आप सुन रही है क्या कह रहे हैं? मालकन, क्या आपको भी यकीन है मैंने चोरी की है? हाँ हाँ, तूने और तेरे बेटे ने दोनों ने मिलकर चोरी की है। मालकन, मालकिन आपने ये क्या कह दिया? ये क्या कह दिया मालकिन? अब और नाटक मत कर और सच सच बता। चल मेरे साथ, चल। मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। उन्हें इनके बच्चे बोल, कहाँ है माल? मुझे नहीं मालूम, भगवान कसम मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की है। झूठ बोलता है कुत्ते, बोल हरामजादे। मैं चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुझसे उगलवा कराऊंगा। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। देखो बेटे, देखो, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। बकवास बंद कर बुड्ढे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लल्लू, ललू मुझे बचाओ, ललू मुझे बचाओ, ये मार डालेगा, मुझे मार डालेगा ये। ये तुझे क्या बचाएगा? नहीं 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 नहीं। अरे भाग मत बुड्ढे कमीने, चोर बेटा के। मेरा बेटा चोर नहीं, वो विद्यार्थी है, विद्या हासिल करने अमरीका गया है। साले ये क्यों नहीं कहता कि उसे माल देकर अमेरिका भेज दिया? लेकिन वो साला भी कहाँ जाएगा? मैं उसे वहां से हथकड़ी लगवा के वापस बुलवाऊंगा। हेलो, इस कमीने को पुलिस के हवाले कर दो। बेटे, ये लोग तेरी जिंदगी तबाह कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माँ, 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 दीपा, माँ, आ गए मेरे बच्चे? हाँ माँ, अभी आती हूँ माँ। डॉक्टर साहब, माँ को क्या हो गया? दिल पर कोई सदमा पहुंचा है, अगले 24 घंटे तो बहुत खतरनाक है। ज्यादा बोलना ठीक नहीं, दुख भरी खबर सुनकर तो उनकी जान भी जा सकती है। हाँ, 24 घंटे बीत गए तो घबराने की कोई बात नहीं, कोई खुशी की खबर हो तो संजीवनी का काम भी कर सकती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे डॉक्टर साहब? बेटिया रानी, मैं बताता हूँ। मुनीम जी ने तिजोरी से सारी सोने की मोहरें चुरा ली। जब मालकिन ने तिजोरी खोलकर देखा तो सदमे के मारे बेहोश हो गई। नहीं नहीं, मुनीम अंकल ने चोरी की? इम्पॉसिबल, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकती। बिटिया, विश्वास तो हमें भी नहीं आता था, पर मुनीम जी ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी और उनके बेटे की ये स्कीम थी कि उनका बेटा आपको अपने प्रेम जाल में फंसाकर आपसे शादी कर ले और सारी जायदाद का मालिक बन जाए।
मगर मालकिन को यह विवाह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और मुनीम जी ने लालच में आकर चोरी की। तो क्या विजय का प्यार प्यार नहीं था, एक चाल थी? दीपा, 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 माँ, दीपा, माँ, माँ, बेटी, तू कैलाश से शादी कर ले बेटी, मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दे, नहीं माँ, ताकि मैं शांति से मर सकूँ, माँ, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। मम्मी ने तुम्हारा कब का निकलवा रखा है? इस मंगल का दिन बहुत शुभ है। बेटा, इसी मंगल को तुम दोनों की शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। सोने की 50,000 मोरे, अब मैं करोड़पति हो गया हूँ। I am a rich man. हुजूर, हुजूर एक बिनती है। हाँ, बोलो। इस माल का बंटवारा हो जाए। बंटवारा? हाँ। बंटवारा तो जरूर होना चाहिए, लेकिन कैसे? बस चार हिस्सों में बंट जाए। चार हिस्सों में? हाँ, चोर तो बराबर के हो तो बंटवारा भी बराबर का ही होना चाहिए। हिस्सा चाहिए ना? जी जी। हिस्सा चाहिए? तुम्हें हिस्सा चाहिए? तुम्हें हिस्सा चाहिए? हमें हिस्सा नहीं चाहिए, मेरी जान छोड़ दीजिए। मुझे भी हिस्सा नहीं चाहिए, मेरी शादी परिजान से करा दो बस। इडियट, तेरी ये जरूरत? दो कौड़ी का नौकर और मुझसे शादी करेगा? तेरी जान तो मैं लूंगी। नहीं नहीं, इन्हें मत मारो डार्लिंग, ये हमारे चोर साथी हैं। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, लेकिन आज रात को नहीं, कल सुबह। जाओ, जाके सो जाओ। जाओ। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो जा लल्लू, सुबह हिस्सा मिल जाएगा। हमें बचा लो, बचा लो, मैं तुम्हारा भगत हूँ। डार्लिंग, आज तक तो तुमने किसी को हिस्सा नहीं दिया, तो फिर इन लोगों को हिस्सा कैसे दे रहे हो? अरे जंगा आ गया, लुक ग्रेट डार्लिंग। डार्लिंग, वेरी गुड, क्या इंतजाम है? जंगा कॉफिन लेकर आ गया है, अब सबकी लाशें ठिकाने पर लग जाएंगी। डार्लिंग, ये पहला कॉफिन लक्ष्मण की लाश के लिए। ये दूसरा कॉफिन बिहारी की लाश के लिए। ये तीसरा कॉफिन लल्लू की लाश के लिए। और ये चौथा कॉफिन किसके लिए? ये चौथा कॉफिन तेरे लिए है। What? मेरा दिल अब तो उससे भर चुका है। तुझे मालूम नहीं मेरी शादी सेठानी की बेटी से तय हो गई है? रणबीर, मेरा नाम भी माया है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरे बेवकूफ, इसकी गोलियां मैंने पहले से ही निकाल ली हैं। चल। लल्लू, बिहारी, मुझे आकर बचाओ। लल्लू, बिहारी। लल्लू, ये तो माया की आवाज है, उस बदमाश ने उसको भी बंद किया है। मरे भगवान, हमें बचा लो, बचा लो भगवान, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। जल्दी
You bastards! मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल जा, इधर आओ, जल्दी आओ। शिवजी महाराज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरी सारी स्कीम पे पानी फेर दिया। अगर मैं उन तीनों को मार देता तो अच्छा था। आखिर वो तीनों भी तो चोर थे। मैं आंटी बोल रही हूँ। हाँ आंटी, टेलीग्राम आई है, माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? टांग टूट गई है। क्या टांग टूट गई? मेरा मतलब है आंटी कि बाथरूम में पाँव फिसल गया था, इसलिए गिर पड़ी और टांग टूट गई। साथ में दिल का दौरा भी पड़ा है। आंटी मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम घबराओ मत बेटे, जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ। लेकिन आंटी मेरी शादी की डेट का क्या होगा? तुम जब वापस आओगे तभी शादी होगी। बेटा तू वापस क्यों आ गया? मैं पढ़ाई छोड़ आया हूं। मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए जिसमें मेरे बाप की सिसकती हुई जिंदगी शामिल हो, जिसमें मेरे बाप के माथे से बहते हुए लहू की लाली दिखाई दे। मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए जिससे मेरी जिंदगी तो जगमगाने लगे लेकिन मेरे बाप की जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरी में घर खोकर रह जाए। नहीं पिताजी नहीं, आपके बदन पर लगी एक एक चोट का निशान उन लोगों के लिए मौत का पैगाम है। नहीं बेटा तू वापस चला जा, आखिर सिर्फ 2 साल की तो सजा है, तेरी पढ़ाई खत्म होते होते मेरी सजा भी खत्म हो जाएगी, तू चला जा। आप बाप हैं, आपने बाप के सारे फर्ज अदा कर दिए, मैं बेटा हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बेटे के क्या फर्ज होते हैं। दीपा मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। क्या तुम भी समझती हो कि मेरे पिताजी चोर हैं? तुम्हारे पिताजी सिर्फ सोने चांदी के ही चोर नहीं, लोगों की जान के भी दुश्मन है। उनकी वजह से आज मेरी माँ की जान जा रही है। तुम लोगों का खून इतना सफेद हो चुका है मुझे मालूम नहीं था। तुम लोगों ने मेरे पिताजी की बेइज्जती की, उनको जलील किया, उनको जेल भेजा। काश तुम मर्द होती तो मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेता, मैं तुम्हारा गला दबा देता। गला दबाना चाहते हो ना, दबा दो गला। एक चोर का बेटा और कर भी क्या सकता है। दीपा दबा दो गला, ले लो मेरी जान। याद रखना अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा, समझी? जिन लोगों ने पिताजी पर जुल्म किया है सुरेश, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। तू दीपा से क्यों नहीं मिलता? दीपा से कैसे मिलूं? दीपा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो फिर और किससे मिला जा सकता है? मां से, नौकरों से। लेकिन दोनों नौकर बिहारी और लल्लू तो नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। यही दाल में कुछ काला है। भाई जमीन तो मैं सारी गिरवी रखूंगा, ये ले 5,000 रुपया और यहाँ अंगूठा लगा दे। सेठ जी, इन छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाइए और आधी जमीन ही गिरवी रख लीजिए, वरना ये भूखे मर जाएंगे। रामलाल, ये बच्चे भूखे मरे, गले सड़े जिए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। रुपया चाहता है तो पूरी जमीन मेरे नाम, ले यहाँ अंगूठा लगा दे। अच्छा सेठ जी, भोलेनाथ ऐसी रेख में मेख लगाओ कि रामलाल की जमीन की तरह सारे गांव की जमीन मेरे कब्जे में आ जाए। सुनो 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 जनाबे आला, क्या कहता है मुनादी वाला? मुनादी सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। आपके गांव में 172वें स्वामी सुरेशानंद पधारे हैं और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कल आपके गांव के रामबाग में शिवजी महाराज उन्हें साक्षात दर्शन देंगे।
और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी वहां आकर साक्षात शिव जी के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva Shambho भक्तों के भंडार भरो भोले बाबा भंडारी भक्तों के भंडार भरो भोले बाबा भंडारी भोले बाबा भंडारी कैलाशपति त्रिपुरारी देखो दर्शन दो उद्धार करो भोले बाबा भंडारी दर्शन दो उद्धार करो भोले बाबा भगवन तुम्हारी सहस भुजाए शतलोचन शतका ध्यान में डूबे रह के भी रखो ध्यान धरे का ध्यान बम बोले बोले बाबा भंडारी भैने ना दर्श भिकारी देखो देखो सबका बेड़ा पार करो भोले बाबा भंडारी भक्तों के भंडार करो भोले बाबा भंडारी से न पसीजो पल के जब से पसीजो तुम्हारी महिमा तुम ही जानो कब किस बात तेरी जो बोले बोले बाबा भंडारी तेरे दर्शन की बलिहारी बोले बाबा भंडारी कैलाशपति त्रिपुरारी खुद 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 बिनती पे विचार करो भोले बाबा भंडारी भक्तों के भंडार करो भोले बाबा भंडारी भोले बाबा भंडारी कैलाशपति त्रिपुरारी भोले बाबा भंडारी कैलाशपति त्रिपुरारी खुद 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 दर्शन दो उद्धार करो भोले बाबा भंडारी दर्शन दो Shiv 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 Shambho Shiv 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 Shambho Shiv 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 Shambho Shiv 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 Shambho Shiv 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 Shambho Shiv 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 Shambho Shiv 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 Shambho जय हो प्रभु जय हो पार्वती जी जय हो माता पार्वती जय हो स्वामी आपने उस गरीब साधु को दर्शन तो दे दिए लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं की
प्रिय, कल हमारी मूर्ति पर उस साधु के लिए 50,000 सोने की मोहरों का चढ़ावा चढ़ने वाला है। लेकिन यहां हमारा एक और भक्त बिहारी भी है, जिसने पिछले जन्म में हमारी बहुत तपस्या की है, और ये 50,000 मोहरे अपने आप बिहारी की तरफ खींची चली जा रही है। अगर बिहारी ने 5,000 मोहरे देकर कल के चढ़ावे का सौदा साधु से कर लिया तो साधु के पास तो सिर्फ 5,000 मोहरे ही रहेंगे, और वो 50,000 मोहरे बिहारी लाल ले जाएगा। तब तो महाराज इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा कि दोनों में से किसकी भक्ति में ज्यादा शक्ति है। पचास हजार मोहरे मुझे मिलेंगे, मेरी भक्ति में ज्यादा शक्ति है, 50,000 मोहरे मुझे मिलेंगे। आज भोलेनाथ की मूर्ति पर चढ़ा हुआ चढ़ावा मेरा। ये कैसे हो सकता है बालक? भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ चढ़ावा तो भक्तों के लिए होता है, उनके कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। महाराज, भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए मैं ये 5,000 असरफिया देता हूँ। असरफिया? नहीं, ये कैसे हो सकता है बालक? यदि आप चाहे भगवान तो हो सकता है। हो सकता है? हो सकता है बालक, तुम्हारी आंखों में श्रद्धा देखकर हमारा मन पसीज गया, हम इसे स्वीकार करते हैं। जय हो, जय हो महाराज की, जय हो, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। दस पैसे, पांच पैसे, अरे असर भी कोई भी नहीं। अरे भक्तों, कोई असर भी तो फेंको। हैं? सूरज डूब गया, शाम हो गई, और ये क्या? यहां तो 10 रुपए की रेजगारी भी नहीं आई। मेरी 50,000 अशर्फियां क्या? महाराज, महाराज ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जय भोले शंकर। बाबा, मेरी शर्फियां मुझे वापस कर दे, मुझे ये सौदा पसंद नहीं। तुम आज का चढ़ावा ले जाओ बच्चा। अरे चढ़ावा तो वहां 20 रुपए की रेजगारी भी नहीं आई। भगवान के चरणों के 20 रुपए तुम्हारी 5,000 अशर्फियों से कहीं ज्यादा है बच्चा। होंगी, मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया हूँ। सीधी तरह से मेरी अशर्फियां दे दे, वरना मैं गुंडों से कहकर तेरा खून करवा दूंगा। तुम हमारा खून करवा दोगे? हमारा खून करवा दोगे? तुम हमारा गुस्सा नहीं जानते मूर्ख अत्याचारी, हम तुम्हें भस्म कर देंगे। जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ। बदमाश, मैं तुझे समझ लूंगा। ओ भगवान, अरे लोगों में लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। ओ भोलेनाथ, तू झूठा, भगवान भी झूठा। मैं भी उससे जाकर पूछता हूँ, अभी जाकर पूछता हूँ, वो लुटेरा है। तू भगवान होकर झूठ बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती? मूर्ख संसारी, हमने अपने भक्त को 50,000 मोहरे देनी थी, तूने सिर्फ 5,000 दी, बाकी की 45,000 क्यों नहीं दी? महाराज, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही थी। लेकिन सेठानी के घर से तो 50,000 मोहरे चोरी हुई थी, बाकी की 45,000 कहाँ है? महाराज, मुझे पता नहीं। पता क्यों नहीं? बिहारी के बच्चे तूने चोरी किया है, बोलो बाकी मोहरे कहाँ है? मैं सच कहता हूँ महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। नागराज महाराज ये ऐसे नहीं बताएगा, तुम पूछो। बोल बिहारी के बच्चे, बोल। मेरे पास तो कुल 5,000 थी, बाकी की तो रणबीर, माया और लल्लू के पास है। बाबा, हम सबने मिलकर चोरी की थी, मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ। उठ, बिहारी के बच्चे, मैं उसी बदनसीब मुनीम का बेटा विजय हूँ। विजय? हाँ, जिसे तुमने जेल की सलाखों में भेज दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हर ज़ादे मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विजय, विजय, जाओ, छोड़ दो विजय, बचाइए इंस्पेक्टर साहब, बचाइए। मिस्टर विजय, कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून खुद इसे सजा देगा, चलो। हेलो हेलो
मिस दीपा बोल रही हैं? जी हाँ, मैं दीपा बोल रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर सुंदर सिंह चड्डा बोल रहा हूँ। आप पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? हाँ, देखिए कुछ दिनों पहले आपके घर में चोरी हुई थी, उस सिलसिले में एक चोर पकड़ा गया है। वो चोरी मुनीम जी ने की थी और उन्हें उसकी सजा मिल गई। जी, जो चोर पकड़ा गया है वो आपके घर का पुराना मुलाजिम बिहारी है। क्या? इन लोगों ने मुनीम जी को गलत पकड़वा दिया था। उस कमीने बिहारी को आपने पकड़ा है इंस्पेक्टर? जी मैंने नहीं, विजय ने। विजय ने? आप थाने आकर मुलजिम की शिनाख्त कर दीजिए। मैं भी आती हूँ। हैं? तुम बैठ गए? उठो उठो, ये पुलिस स्टेशन की कुर्सी है, चोरों के लिए नहीं शरीफों के लिए है। और तुम चोर हो, तुम पुलिस स्टेशन पर पढ़कर बुलाए गए हो, जहाँ गुंडों बदमाशों और चोरों के साथ धुलाई होती है। और पुलिस थाने में आने का तुम्हें मजा अभी चखाता हूँ। निकालो निकालो मुर्गे की आवाज, निकालो 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 मुर्गे की आवाज, निकालो भैंस की आवाज, निकालो भैंस की आवाज, कुत्ते की आवाज, निकालो कुत्ते की आवाज। अरे अरे पागल कुत्ते की नहीं, शरीफ कुत्ते की। हाँ, बस इसी तरह आवाज निकालते रहो। चलो बिहारी के बच्चे, नमक हराम, शर्म नहीं आई तुझे चोरी करने में? मुझे शर्म नहीं आई चोरी करने में? ये पुलिस स्टेशन है, कोई आपका घर नहीं। I'm sorry इंस्पेक्टर, मैं जरा जज्बात में बह गई थी। इस चोर बिहारी को देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। हम जानते हैं आप बहुत परेशान हैं। आप घर जाइए, जब जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। हाँ। जाइए जाइए जाइए। मवाली, चोर कहीं का सर। थैंक यू। तुम जानू रहो। अरे यार, ये नया ड्रिंक बना है, पकोला पीने का बड़ा मजा है। क्या चाहिए? एक कैंपा कोला। सिर्फ एक कैंपा कोला? जग्गू दादा, लगता है ये लड़की को तंग कर रहा है। अभी देखता हूँ। लड़की को मारता है। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने इसे कहीं देखा है, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। गंजे, मैं वही हूँ। Thank you.
तो बात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम अपने खीसे से निकालकर ठन ठना ठन गिनकर ई के बाप को पूरे 500 रुपए दिए हैं। तौने पर ये सुसरी हमारे साथ चलने को इनकार कर रहे थे। अब आप ही बताइए सेठ जी, ई का जुल्म की बात है कि नहीं? 500 रुपए बस? 500 रुपए 500 रुपए का तो एक एक पैर है। अरे सस्ती है, महंगी नहीं है। जी। शर्म नहीं आती? मुझे बर्बाद कर दिया। मैं नहीं जाती ससुराल। नहीं जाती तो कोई बात नहीं, यहाँ मेरे यहाँ नौकरी करोगे? यहाँ रह जाओ, यहाँ रह जाओ। अरे वाह सेठ जी, तू तो हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी। देखा दिलजनिया, ईका कहते असली सेठ है। माफ करियो सेठ जी, हमने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, धो भी धो देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ आओ, चलो कप्पू के बापू। चलो कप्पू की मैया। बड़े नटखट। अजी आओ ना भैया जी। हाँ जी। हमारी चमक चलो तो गई है मान, आप तैयारी कर लो। काहे की तैयारी से जी? मुझे अपनी चमक चलो लानी है, कल मेरा गौना है, तुम्हें मेरे साथ मेरे ससुराल चलना पड़ेगा। आज चलेंगे, जरूर चलेंगे। चलो, चलो, जी। चलो, चलो, चलो। नमस्कार। हेलो जवाई जी। अरे कमबख्तो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने जीजा जी के लिए दूध तो लाओ। इसकी क्या जरूरत थी ससुर जी? जीजा जी के लिए दूध? जीजा जी के लिए सारे जी, तुहार जीजा जी किसी और के हाथ का नहीं पीते हैं। तुम जाए के उनकी सेवा करो, दूध हम लाते हैं। चलो जीजा जी की तो एक दो तीन, साले का कुछ नहीं होगा, सभी डाल दो। लो सेठ जी, दूध पियो।
अब सेठ जी आराम करी है, सोने का कमरा कहाँ है? बेटा बाल किचन। हाँ बाप, सोने अपने जीजा जी को खन्ना वाले मकान में ले जाओ। अच्छा बाबू, चलो जीजा जी। राम राम ससुर जी। कलावती, अपने जवाई जी बड़े खूबसूरत हैं। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई? अजीत बाथरूम की तरह है। भैया जी, भैया जी बाथरूम की तरह है। अरे कहा भवा सेठ जी, बाथरूम की तरह है। बाथरूम? अरे सेठ जी गांव के घर में बाथरूम कहा? अरे मैं क्या करूं, मेरे मेरे पेट में तो गोलबड़ी गोलबाल हो रही है, ससुराल का मामला है, ये धोती खराब होगी तो मैं। अरे रोक 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 सेठ जी, रोक, पहले कंट्रोल करो सेठ जी, थोड़ा कंट्रोल। अभी सोचते हैं। लो मटके से काम चलाई, लो मटके से काम चलाओ। अरे सेठ जी थोड़ा शर्म करो, पिछवाड़े हो जाओ। अरे भैया जी तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, मेरी तो जान में जान आ गई। देखो आ जा। भैया जी सुनो, सुबह ये मटका ये घड़ा बाहर फेंकाओगे ना? है? अरे जब सुबह होगी तो देखेंगे सेठ जी, अभी तो सोने दो। हाँ सो जाओ, सो जाओ। भैया जी, ए भैया जी, ओ भैया जी, उठो दिन चढ़ाया है, वो मटका फेंकाओ जाके, उठो। ए, ए सेठ जी, हमारो इज्जत है, ऐसा घटिया काम हम नहीं करते। धीरे बोलो, धीरे बोलो, नाराज क्यों होते हो? हमने किया, हम खुद फेंकाएंगे बाहर जाके। हाँ, खुद फेंकाओ। शर्माने कौन सी बात है, अब हम फेंकते हैं, फेंकाते हैं और क्या। अरे ससुर जी, अरे तू लुट गयो, अरे तू बर्बाद हो गयो, तुहार बेड़ा बैठ गवा। अरे कुछ बोलो तो सही मुँह से। अरे तुहार जवाई रूठा जा रहा है। रूठा जा रहा है? हाँ, उई का जाई के मना लो, नहीं तो तुहार बेटी घर में बैठी रह जाएगी। देखेगा नहीं। मुझे छोड़कर मत जाइए। कोई बात नहीं पत्नी जी, जी है। हाँ। पगड़ी, हाँ ठीक है, पगड़ी पगड़ी। बलिहारी गांव सिठा जी, बधाई हो बधाई। लो कपू के बापू। मैं आओ सिठा जी। अरे बाप, हाँ आओ भाइयों, आओ 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 बोलो। अरे सेठ जी, आप तो ससुराल वालों के घर जाकर बैठे रहे, हम इधर उधर जाकर पता लगावा कि हमारी भाभी अर्थात आपकी पत्नी को पागल कुत्ते ने काटा है। हाँ, और आज उसका 41वां है। 41वां? आज वो हर हालत में पागल हो गई है। पागल? हाँ, और आपको काटने की कोशिश करेगी। जैसे ही आपको काटने की कोशिश करे सेठ जी, आप धनाधन उसकी पिटाई शुरू कर देना। भैया जी तुम क्या कह रहे हो? अरे सेठ जी हम सच बोले थे, आप अपनी रक्षा का बराबर बंदोबस्त रखना। बहू जी दिल पर पत्थर रखकर सुन लो, ये जो हमारे भैया है ना, अर्थात तुहार पति, उनका जिस्म गल के सड़ गया है। हमारे बात का विश्वास नहीं है ना, तो आज खुद ही देख लियो। रात को जब भैया तुहार पास आएंगे ना, तो ऐसे जबान लगा के चाट लेना, जो शरीर नमकीन न भवा तो हमका कप्पू की अम्मा ना कहियो। अगर ये बात है तो हम जरूर चाट के देखेंगे। और एक बात क्या भैया जी, सुहाग रात को अपनी बीवी को बहुत मारते हैं।
ऐसा? भैया जी ने पीर डुम्बा बख्शित किया हुआ है और पीर डुम्बा बख्श सिर्फ मुंह काटे से डरता है। बस भैया जी जब तुहे मारे तो तुम उन्हें मुंह से काट रही हो। बस ऐसे भैया जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हारी जान बच जाएगी। कि हमारी भाभी अर्थात आपकी पत्नी को पागल कुत्ते ने काटा है। बख्शित किया हुआ है और पीर डुम्बा बख्श सिर्फ मुंह काटे से डरता है। अरे देखते क्या हो, जाओ जाओ जाकर टूट पड़ो उन पर, जाओ जाओ। अरे सेठ जी चलो चल 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 सेठ जी आराम से हम उधर जाके देखते हैं पुलिस ने उनका क्या हाल किया। भैया जी जरा जल्दी से बताना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। अब क्या होगा क्या हो? तेरे भाई धक्के कसाई, हाय मूर्ति हाय मूर्ति। अरे रे रे पत्नी जी रो मत, चुप हो जाओ, आज तो अपनी सुहाग रात है। सुहाग रात तो मारो गोली। सुनो। क्या सुनो? वो जो भैयन है ना, वो छिनाल मुझे कहने लगी तेरे खसम का बदन बिल्कुल कल चुका है, अंदर ही अंदर सड़ चुका है। मैं उसके बहकावे में आकर तुम्हारा बदन चाटने लगी और तुम मुझे मारने लगे। अरे आई बात समझ में। वो भैया है ना, उसने भी मुझे कहा था कि तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ते ने काटा है, वो आज जरूर पागल हो जाएगी। कुत्ता कहीं का, मैं आज से नौकरी से निकाल दूंगा, तू फिक्र मत कर। लेकिन मेरी जान जरा घूंघट उठा दे। अरे उठा दे, क्यों तड़पा रही है, उठा दे। कैसे उठाऊं? तेरे मोटे भाइयों ने मेरे कान के बूंदे, गले का हार, नाक की नथनिया, माथे का टीका सब कुछ तो छीन लिया। अब जब तक तू मेरे को नए नहीं बनवा कर देगा, मैं तुझे ये चांद सा मुखड़ा नहीं दिखाऊंगी। तू फिकर मत कर, बिल्कुल फिकर मत कर। चूल्हे के नीचे मैंने 5,000 सोने की अशर्फियाँ छुपा कर रखी हुई है, उन्हें निकाल कर गला कर तेरे सारे गहने बनवा दूंगा। तू फिकर मत कर, अब तो घूंघट हटा दे। मर गया। अरे बचाओ, अच्छी सुहाग रात हो रही है। अरे मेरे बाप, अरे बचाओ। मिस्टर विजय, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। छोड़, चल। अच्छा पुलिस जी, चलो चलो। कहाँ थे इतने दिन? माँ जी, हमारा दूसरा चोर लल्लू भी पकड़ा गया और अशर्फियाँ भी बरामद हो गई हैं। इतने दिन किसी गैर मर्द के साथ बाहर रहने का मतलब समझती हो? कल जब शादी के बाद कैलाश मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? यही कि मेरी बेटी आवारा और बच्चरन है। और मिस्टर विजय, तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम एक कंगाल बाप के कंगाल बेटे हो,
तुम ख्वाब में भी मत सोचना कि मैं तुम्हारा ब्याह अपनी दीपा के साथ करूंगी। निकल जाओ यहाँ से और अपनी मनहूस सूरत फिर कभी मत दिखाना। मजा आएगा मिस्टर विजय, छलांग लगाओ। जैसे ही पानी से बाहर निकलोगे सामने मैं खड़ी होंगी। लगाओ छलांग। हैं? लड़की? ऊपर तो ठीक ठाक गया था, रास्ते में लड़की बन गया। हाँ अब आया। Well done. आप बहुत अच्छा डाइव करते हैं। दरअसल मैंने डाइव किया ही आपको दिखाने के लिए था। अच्छा? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं किसी न किसी बहाने आपसे बात करना चाहता था। प्रियदी, मैं आपको अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। चलिए बार में चलते हैं, एक एक ड्रिंक हो जाए। बार की क्या जरूरत है, मैंने यहाँ एक कमरा बुक किया है, चलिए वहाँ चलते हैं। चलिए। समझी मिस्टर विजय, इसलिए मुझे शहर नहीं लाए ना, यहां दूसरी लड़कियों के साथ लफड़ा चलता है। आओ ना यहाँ चले। मुझे शर्म आती है। आओ ना। नहीं प्लीज, मुझे शर्म आती है। शर्म शर्म शर्म, अगर शर्मी आ रही है तो यहाँ आए क्यों हो? आओ ना। नहीं पता क्या है, अगर मैं वहां चला गया, वो मेरे बाबा दुखभंजन नाथ है ना, वो बहुत अंतर्यामी है, वो अपने ज्ञान चक्षुओं से ये सब देख लेंगे और मुझे श्राप दे देंगे। इडियट, अगर ऐसा ही था तो यहाँ आए क्यों थे? यू आर सो स्टूपिड। देखिए मैम साहब, आप मुझे गाली दे सकती हैं, लेकिन मेरे बाबा दुख भंजनाथ को गाली नहीं दे सकती। वो बहुत शक्तिशाली है, वो अंतर्यामी है, वो चाहे तो पत्थर की मूर्ति में जान डाल सकते हैं, दिन को रात बना सकते हैं, रात को दिन बना सकते हैं, सूरज पर बर्फ जमा सकते हैं और चांद पर अंगार बरसा सकते हैं। और ये धर्मेश है ना, अरे बाबा चाहे चाहे ये कहीं भी हो, इनको फोटो में से साक्षात निकाल सकते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप चाहे तो कल ही मेरे साथ चलिए, अगर हाथ पर सरसों नहीं जमा कर दिखा दे तो मेरा नाम रमेश नहीं। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं तो? अगर बाबा ऐसा कर दे तो मुझे इस दुनिया से और लेना ही क्या है। इस धर्मेश कठोर ने तो मेरी नींद हराम करके रख दी है, अगर ये मिल जाए तो मुझे और चाहिए ही क्या। वादा करो तुम मुझे बाबा के पास ले जाओगे ना? हाँ ले जाऊंगा, पूरे 10 बजे बाबा के डेरे पर। पक्का? पक्का। बेशरम, हर जाए तुझे शर्म नहीं आती? हाँ मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के पीछे भागते, धोखेबाज बदतमीज। ये लड़की खामा का पीछे पड़ी है, मैं तो इसे जानते ही नहीं। क्या कहा? मैं खामा का तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? धोखेबाज, अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो, मार मार के थोड़ा बिगाड़ दूंगी मैं तुम्हारी, कुछ नहीं लगती मैं खामा का तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। हाँ तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़कर आए हो ना, मैं भी देखती हूँ ये छम्मक छल्लो तुम्हें कितने दिन अपने पास रखेगी। बेशरम, आज से तुम मेरे लिए मर गए और मैं मरने जा रही हूँ, समझे? मैं मरने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो, पागल हो गई क्या? दूसरा हाथ नहीं दूंगी। अरे पागल हो गई क्या? क्यों सब पागल है क्या? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तुम मुझे जानते तक नहीं हो, मैं पागल हूँ जो तुम्हारे लिए गांव छोड़।
हाँ बाबा जानता हूँ। बोलने से क्या फायदा? ये तुम्हारी बीवी है? इसे मारा? इसे पीटा? बहुत अच्छा किया, बीवी को रोज मारना पीटना चाहिए, नहीं तो काबू में नहीं आती है, सर पे चढ़ जाती है। मैं भी घर में बीवी को रोज मारता हूँ। ए उल्लू के पट्टे, तेरे बाप ने कभी तेरी माँ को मारा था? ए, गाली मारते रहे। चुप रे। अरे तू क्या देगा, तू क्या देगा? देख जो मैं कह रही हूँ, कान खोल कर सुन, समझा? नहीं बचाएगा। चुप, एकदम चुप। ये माया है, माया अपना तीसरा शिकार। तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया, सारी स्क्रीन पेपर फेर दिया। अब भी बताओ माता जी से बोलकर आई हो कि फिर मुझे जूते पड़ाओगी? पहले कहो कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे, नहीं बता कर आए। चलो बैठो। अब मैं तुम्हें छोड़कर माँ के पास वापस जाऊंगी। हेलो गंजा। तू डालो बाबा डालो को डालो बीटा 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 डालो अरे हम फिर भाग गया डाला निकले। जय महाकाली, कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, दोनों हाथ बजाए ताली। ब्रह्मा की बेटी विष्णु की पाली, तेरे दर पे बैठे हैं सवाली। जय महाकाली। कन्या हम तेरे मन की आवाज सुन चुके हैं, तू धर्मेश की तस्वीर में से धर्मेश को पाना चाहती है ना? हाँ बाबा, कृपा कीजिए, मुझे धर्मेश चाहिए। चिंता मत कर कन्या, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। छू। वही। I can't believe it. बिल्कुल, बिल्कुल वही हो। तुम धर्मेश। वही तो हो, वही हो। तुम चार बजे तक मेरे सपनों में आती हो, उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है, मेरा जी चाहता है मैं टक्करे मारूं, मर जाऊं, चला जाऊं, कहीं खत्म कर लूं अपने आप को। तुम मुझे छोड़ के कहां चली गई थी? कहां चली? तुझे चोर कहूँ या कातिल, ओ बातों बातों में तूने मेरा दिल कर लिया चोरी। हाय हाय चोरी, ओ तू तो बड़े गजब की है चोरी, ओ चोरी। तुझे चोर कहूँ या कातिल, हाय हाय कातिल। Oh,
की तरह चमके दमके चंचल अचुपल चटके मटके सर खोले धापे हंस हंस के तुझे चोर कहूं या कातिल हाय कातिल चाहे तुझे बाहों में लिए हो जाऊं मस्त बहारों में या दूर कहीं फिर उड़ जाऊं हंसते हुए चांद सितारों लंबी चौड़ी तस्वीर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले आए हो किसी और मदद की जरूरत नहीं सर अब मैं संभालूंगा धर्मेश बाबा जी आपने मुझे उस निर्मोही से मिला दिया आपकी अपार कृपा क्या हम लोगों के दिल हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते हो सकते हैं संतन की सेवा करो भक्ति में ही शक्ति है बाबा जी मुझे गरीब की तरफ से ये 500 रुपए स्वीकार कीजिए 500 रुपए अपमान बाबा का घोर अपमान मूर्ख संसारन तू हमें मोहमाया के जाल में फंसाना चाहती है जो जंजीरें हम तोड़ चुके हैं हमें फिर से पहनाना चाहती है बाबा तुम्हें भस्म कर डालेंगे बाबा मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा का आशीर्वाद है तुम माला माल हो जाओगी अब दोनों तुम जा सकते हो अच्छा बाबा मेरा माल ये ले माल ओ धर्म आई लव यू आई लव यू आई लव यू साहब आप तो 500 रुपए लेकर गई थी इसमें तो 1000 रुपए हैं क्या 1000 रुपए हेलो रमेश गजब हो गया मैं जो बाबा को 500 रुपए दे रही थी ना उसके 1000 रुपए बन गए तकदीर वाली हो माया बाबा तुम पर मेहरबान हो गए हैं महारानी संपूर्णा देवी और चरखी दादरी का खजाना दुगना कर दिया था रमेश मेरे पास भी कुछ माल है फौरन बाबा के पास ले जाओ दुगना कर देंगे माल वाओ
एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। अच्छा मैं आता हूँ। वेट अ मिनट। वाह क्या बात है, वही तेवर वही अंदाज वही नखरे। तुम्हें तो याद होगा कभी तुम हमारे साथ रंग रलियां मनाया करती थी। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हमारी आत्मा भटक रही थी तुम्हारे लिए, बस यूं ही भटकते भटकते पहुंच गए यहाँ तक। चलो हमारे साथ हमारी मेहमान बनकर। नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी, तुम्हें हम खुद ले जाएंगे। रणबीर ये मेरी मारे है, इसमें मेरा हक है। बड़ी लालची है तू माया, अब तुम औरों की नहीं अपनी जान की फिक्र कर, चल मेरे साथ। Let me take you in my arms again. Let me take you in my arms and then let me see behind your smile. Let me love you like a child. Let me take you in my arms. I'm like a train that's rolling on a track, like a train that's got no turning back. Let me keep you from the storm. Let me make you stay warm. Let me take you in my arms. Let me take you in my arms and then let me see behind your smile. Let me love you like a child. Let me take you in my arms. अबे ओ कवैये, हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देती? अबे ओ कवैये, रास्ता छोड़ेगा कि मैं तुझे खुद उठा के फेंक दूं? स्वीट सेक्सी सिडोल सुंदरी, जी चाहता है पहना दूं तुझे मुंदरी। जल्दी से दिखा दे अपनी कुंडली, निमकीन है। अबे ओ रोमियो, डू नॉट डिस्टर्ब। मैं कहता हूं इधर देख। जूलियट अंदर है। देखता कि नहीं? रावण नहीं देखता। शुक्रिया अदा करूं। जिस तरह आपका जी चाहता है वैसे कर लीजिए। ओह माय डार्लिंग यू आर सो स्वीट। ओह मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूं।
अब मैं कुछ नहीं कर रहा था साहब, ये कर रही थी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस माया। अंडर अरेस्ट? व्हाई? इन्होंने अशरफियां चुराई, ये चोर हैं। अशरफियां? माया देवी, माया देवी, ये क्या माया देवी, मैं क्या देख रहा हूँ? मैं आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? लानत है मुझ पर, मैंने आपकी जान क्यों बचाई? ले जाइए साहब, फौरन ले जाइए। हेलो आंटी। आओ बेटा आओ, खुश रहो, बहुत राह दिखाई तुमने तो, भूल ही गए थे जैसे अपनी आंटी को। ऐसा नहीं आंटी, बस मजबूरी थी, मम्मी की बीमारी और उनकी मौत ने मुझे निढाली कर दिया। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। सबर से काम लो बेटा, सबर से काम लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, शिला की कमी मैं पूरी करूंगी बेटा, मैं पूरी करूंगी। माँ जी आप ही के सहारे तो जिंदा हूँ। मलकिन, मलकिन ये इंसान नहीं दरिंदा है, इसी ने इस घर में चोरी की है। इसका नाम कैलाश नहीं, ये रणबीर है। लक्ष्मण का खून इसी ने किया है और अब दीपा बिटिया से शादी करके उसकी जिंदगी तबाह करना चाहता है। मालकन उसकी जिंदगी तबाह करना चाहता है। मैं इसके रातों कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा, मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। मैं इस घर से ठोकरें मार मार कर निकाल दिए जाने वाले एक मामूली नौकर की ये जरूरत कि इस घर के होने वाले दामाद पर कीचड़ उछाले? हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मलकिन ये चोर है, डाकू है। चुप रहो। मलकिन, अच्छा तो तुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। मैंने आज तक अपने घर के बेदी को जिंदा नहीं छोड़ा है, मुझे मेरी ये सोने की लंका बहुत प्यारी है। सेठानी, अब तुझे मालूम हो चुका है कि मैं कौन हूं, और जब तक दीपा की शादी मुझसे नहीं हो जाती तुम मेरे अड्डे पर मेरी मेहमान रहोगी। दंगा इस लाश को उठा ले। मंगल, क्या हुआ माँ? माँ, माँ, तू वापस क्यों आ गई अपनी जालिम माँ के पास? तूने ब्याह क्यों नहीं कर लिया विजय के साथ? आ जाएगी, तूने इसके लिए मुझे दूल्हा चुना है, इसका ब्याह भी मेरे साथ होगा। ले जा इस बुढ़िया को। अब तो ये हाथ मैंने जिंदगी भर के लिए पकड़ा है, मगर ये हाथ तो बाकी है रणवीर। ले जा इसे भी। मैं चाहूं तो तेरी बेटी को रखेल बना के रख सकता हूं, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं इसकी इज्जत लूट सकता हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी की पहली शराफत है कि आज मैंने मंडप सजवाया है, पंडित बुलवाया है, मैं बकायदा तेरी बेटी से शादी करने वाला हूं। नहीं। और बुढ़िया, कन्यादान तू अपने हाथों से करेगी? नहीं, ये शादी नहीं होगी, मैं तुम जैसे दरिंदे को अपनी बेटी की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। इसका मतलब तू इनकार कर रही है? हाँ, एक बार नहीं लाख बार इनकार कर रही मुझे। मैंने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगाए हैं तो तू क्या चीज है बुढ़ी? चल मेरे साथ, चल। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। इधर आ बुढ़िया और देख। ये वो सब लोग हैं जिन्हें मैंने मुक्ति दे दी है, दुनिया के बंधनों से आजाद कर दिया है। इधर देख, ये है तेरा नौकर लक्ष्मण, इसे मैंने उस दिन मारा था जिस दिन तेरे घर से सोने का शराब चोरी की थी। इधर आ और ये देख कितने अंदाज से खड़ा है तेरा वफादार मुनीम, इसे मैंने तेरी आंखों के सामने मारा था। अगर अब भी तूने इनकार किया तो तेरी लाश भी यहां से जला दी जाएगी, लेकिन मैं तुझे सोचने का मौका देता हूं कि तुझे जिंदगी चाहिए या मौत। हे भगवान, किन पापों की सजा दे रहा है तू? कहाँ सो रहा है भगवान, कहाँ सो रहा है? शकुंतला, आप, शकुंतला, आप, आपकी हालत
क्या हो गया है आपको? शकुंतला, डाल दिया तुमने उस मासूम बच्ची को उस भेड़िए के आगे, झोंक दिया मेरी बेटी को इस नरक की भट्टी में। हाँ, मैं ही उसकी दुश्मन हूँ। मैंने उस अभागन की जिंदगी बर्बाद की। कुछ कीजिए ना, बचा लीजिए ना अपनी बेटी को, बचा लीजिए। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि वो मर जाए। मर जाने से ही उस मायूस को छुटकारा मिल सकता है। अगर वो जिंदा रही तो वो पागल हो जाएगी, उसकी आंखों के आगे भूत नाचेंगे, उसके कानों में चुड़ैलें चीखेंगी, उसकी जिंदगी एक एक डरावना बियाबान जंगल बन जाएगी। नहीं, नहीं, कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मालकिन, मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। वो पिस्तौल में गोलियां नकली थी, ये मेरी स्कीम थी यहां तक पहुंचने के लिए। मालिक, बास मुझे माफ कर दो बास, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर रहम करो, मुझे माफ कर दो बास, माफ कर दो। चंगा, हमें यकीन है हमारी महबूबा को यह मंजर जरूर पसंद आया होगा। अब आपके माताजी और पिताजी यहां आएंगे, और अगर उनके सामने आपने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो उनका भी यही हशर होगा जो इसका हुआ है। ले जाओ इस लाश को और उस बूढ़े बुढ़िया को यहां ले आओ, जल्दी से। बेटी, बेटा, पापा, पापा, ये सब क्या हो गया? बेटा, पापा, आओ तो चुका नाटक। ये मेरे और दीपा की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है, इस पर दस्तखत कर दीजिए ताकि आपके मरने के बाद मैं आपकी जायदाद का लीगल हकदार बन सकूं। लीजिए। कैसी शादी, कैसे दस्तखत? अब नीली छतरी वाले के फरिश्ते जाग चुके हैं, उसकी मेहरबानी होने वाली है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा बुरा वक्त आ गया है, अपने अंजाम के लिए तू तैयार हो जा। बकवास बंद कर बुड्ढे, इसका मतलब है तू इनकार करता है। पिताजी, दस्तखत कर दीजिए, पिताजी दस्तखत कर दीजिए। बेटा, भगवान बहुत बड़ा है, तू उस पर भरोसा रख। चंगा, अगर मेरे पांच गिने तक इस बुड्ढे ने दस्तखत नहीं किए तो इसे खत्म कर दो। नहीं पिताजी, नहीं, आप दस्तखत कर दीजिए। एक, पिताजी, दो, पिताजी दस्तखत कर दीजिए। तीन, पिताजी दस्तखत कर दीजिए। चार, पिताजी। खबरदार, जो तुम्हारे आदमी है तो गोली मार दूंगा। मालिक, दीपा बिटिया और मालकन को लेकर आप फौरन चले जाइए। आप यहीं रहेंगे? मेरी फिक्र न कीजिए, मैं इसका क्रियाकर्म करके आऊंगा। मेरी बच्ची, बेटी, बेटी, होश में आ, होश में आ बेटा, देख ले मुनिमन के आगे सब ठीक हो गया। पापा, आप ठीक है? पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, चल चल चल। अमीने, रुको इनको भी। अब बताता हूँ मैं तुझे यहाँ आने का मजा। चल बुड्ढे, चल। तो ये है तेरा फरिश्ता, ले जाओ उस बुड्ढे को और टांग दो उस भट्टी पर, ले जाओ उस बुढ़िया को भी। नहीं, नहीं, नहीं। और अगर अभी तू दस्तखत नहीं करेगा तो मेरे एक इशारे पर तेरे नमक लाल मुनीम और तेरी पत्नी का नामो निशान मिट जाएगा। Thank you.
लेकिन हम इतने कमीने नहीं कि एक बेटे को अपने बाप की जान बचाने का मौका ना दें। जाओ। तो ये है आपका दूसरा फरिश्ता। छोड़ूंगा गोली मारता से चुड़ैम चुड़ैम ये क्या हो रहा है अरे कौन है ये रणबीर और ये है मेरा तीसरा फरिश्ता। मेरे शरीफ बाप को जेल की कोठरी में भेजा मेरी महबूबा पर जुल्म किए तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा उठ उठ कुत्ता साले लंगड़ा ये बुजदिलो जैसे क्या लड़ता है मर्द का बच्चा है तो मेरी टांग वापस दे और फिर देख बरखुरदार हम भी इतने कमीने नहीं हैं कि एक लंगड़े की फरियाद न सुने ये ले अपनी टांग और कर ले अपनी हसरत पूरी Yeah.
हैंड्स अप, बदमाश कहीं के जानते हो मेरा नाम इंस्पेक्टर सुंदर सिंह चड्ढा है चड्ढा साहब। नमस्ते नमस्ते जी, आप मुझे पहचानते हैं? जी आपको कौन नहीं जानता हुजूर, आपके इलाके में सुना चूटी पर नहीं मार सकते। जी हाँ जी हाँ जी, और ये गुलेल? आपके इलाके में कुछ कौए आ गए थे, उन्हें उड़ाने के लिए लाया था। दैट्स राइट, ले जाओ बदमाशों को, ले जाओ, बदमाशी करते हैं। जरा सुनिए तो, आपकी दूसरी शिफ्ट कहाँ है? दूसरी शिफ्ट मतलब शूटिंग? अच्छा, बच्चों को शूटिंग दिखानी थी। नटराज में भेज दीजिए, कितने बच्चे हैं आपके? जी 12-13 जा, गाड़ी भेज दीजिए, मैं उन्हें भेजता हूँ। थैंक यू। गाड़ी क्या, बस भिजवा देंगे। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई कहते हो, शुक्रिया अदा करते हो, शुक्रिया किस बात का? बस खुश रहो।